अस्सलाम वालेकुम जमातों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेमेडी पैक का मज़मून इस्लामियात का सफ़ा नंबर 40 सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 है, आपको कुरान मजीद की कितनी सूरतें याद हैं, वालदैन को सुनाएं और नाम तहरीर करें। यानी यहाँ पे आपको जो भी सूरतें याद हैं, जितनी भी याद हैं, उनके नाम लिखने हैं। नंबर 1 सूरतुल इखलास, नंबर 2 सूरतुल फलक, नंबर 3 सूरतुल फातिहा, नंबर 4 सूरतुन नास। या आपने अपने वालदैन को सुनाने और उनके नाम यहाँ पे खुशखत अंदाज में लिखना है। सवाल नंबर 5, मशहूर आसमानी किताबें जिन अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इनके नाम लिखें। कितनी आसमानी किताबें हैं? 4 आसमानी किताबें हैं। यहाँ पे किताबों के नाम दिए गए हैं, आपने आगे इनके अंबिया के नाम लिखे, यानी जिन नबियों पर वो नाजिल हुई हैं। यह आपकी किताब का सफ़ा नंबर 17 पर आपके सबक का नाम है, आसमानी कुतब और फरिश्तों पर ईमान। इससे अगला जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 18, वहाँ पर किताबों के नाम और अंबिया के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ से देखकर आपने यहाँ पे खुशखत अंदाज में लिखना है, तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी किताब का नाम है ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी किताब का नाम है अंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आखिरी किताब, चौथी आसमान जो किताब है, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आपने इसको खुशखत अंदाज में लिखना है। उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।